पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। प्रताप बना कई कर दिया आपने, ध्रुव को बंदी बना दिया, क्यों? अबोसा, ध्रुव ने देवगढ़ की रानी को अनुचित दृष्टि से देखने का दुस्साहस किया। हमारे सामने उन्हें छूने का अपराध किया है। हमारी पत्नी को अपनी पत्नी कहने का पाप किया है। कौन सी रानी, कैसी पत्नी? रानी अंतरा हमारी पत्नी। बिजली जी के भाई महावीर ने स्वयं हमारे सामने स्वीकार किया है कि बिजली जी उनकी सगी बहन कोनी। जी जी, आप नाचने वाली बिजली नहीं, देवगढ़ की रानी अंतरा सा है। नदी किनारे मिली थी उन्हें बेहोशी की अवस्था में, अर्थात बिजली जी ही हमारी रानी सा है। प्रतापना, प्रेमी बनकर कोणी, राजा बनकर सोचे। वो दोनों भाई बहन जो है वो मिली भगत कर रहे, आपको ठग रहे, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे। वो दोनों केवल बहाने हैं, बहाने। इस राजमहल में रानी बनकर रहने और रजसी थाट भाट भोगने का बस। अपराध के बदले दंड से बचने के लिए ये दिखावा कर रही है आपके सामने, टूटा दिखावा। सच्चाई तो ये है प्रताप बना, ये ध्रुव और बिजली एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये हमने अपने आंखों से देखा है। भाबोसा की ये जो आंखें है ना, वो कभी धोखा को नहीं खा सकती प्रताप बना, जिसके कारण आपको मृत्यु से युद्ध लड़ना पड़ा। उस नाचने वाली धोखा देने वाली को देवगढ़ की रानी सा हम कभी कोनी स्वीकार करेंगे, कभी कोनी बन सकते। बस बस भाबोसा, बस। हमसे बात करने की मान मर्यादा लांघ रही हैं आप। ध्रुव ने भी यही दुस्साहस किया था, हमें उन्हें अपने तरीके से याद दिलाना पड़ा कि हम कौन हैं। आपको भी ज्ञात रहे, देवगढ़ के राजा के निर्णय को चुनौती देंगी तो परिणाम अच्छा नहीं होगा आपके लिए। प्रताप बड़ा, नहीं कह रहे आप अपनी भाबोसा को बंदी बनाने के लिए चेतावनी दे रहे? भाबोसा, एक बात ज्ञात रहे, रानी अंतरा हमारी पत्नी है, उनकी मान मर्यादा गरिमा की रक्षा करना हमारा धर्म है और उस धर्म को निभाने के लिए हमें जो चाहे करना पड़े, जिसे चाहे दंडित करना पड़े, हम बिना पलक झपकाए करेंगे। एक बात कंठस्थ कर लीजिए भाबोसा, बिजली जी ही हमारी रानी अंतरा है, हमारे शौर्य बना की मासा है और हमारी पत्नी है। उन्हें रानी सा वाला मान सम्मान अधिकार मिलना ही चाहिए, यह आपके राजा का आदेश है और हमारे आदेश का पालन करना अनिवार्य है आपके लिए।
क्या हुआ भाबोसा? आप रो क्यों रही हैं? बताइए भाबोसा। जिस बेटे ने अपने माँ को इतने वर्षों में पहली बार उसे उसका अपना औहदा समझाया हो कि हम केवल राजमाता है और फैसले लेने का हक मारा अधिकार कोणी वो सिर्फ एक राजा का है। जिस बेटे ने अपने माँ को बंदी बना देने की चेतावनी दी हो वो माँ और कर भी क्या सकती है, मान सिर्फ रो ही तो सकती है। क्या कह रहे हैं बाबू साहब? भाई साहब ने आपको बंदी बनाने की चेतावनी दी है? हमसे बात करने की मान मर्यादा लांग रही हैं आप? देवगढ़ के राजा के निर्णय को चुनौती देंगी तो परिणाम अच्छा नहीं होगा आपके लिए। उस नाचने वाली के मुंह में आकर प्रतापना अनुचित और उचित में अंतर भूल चुके मान। पहले तो कपाड़ी के बहाने वो आए थे इस महल में रहने, रानी सा बनकर रह रही है इस महल में मारी आंखों के सामने। उस नाचने वाली से अपने भाई सा और देवगढ़ के राजा की रक्षा करना आपका दायित्व है मान। हमें उस नाचने वाली पर इतना भी भरोसा कोणी? नमन है माँ के उस हृदय को जो बाईसा की चेतावनी देने के बाद भी आप उनके बारे में सोच रही। माँ होड़ा, एक माँ अपने मृत्यु शैया पर अपने बच्चों के सुखी जीवन और दीर्घायु की मंगल कामना करती है मान। प्रताप बड़ा मारी बात को नहीं सुन रहे मान, आप ही उन्हें समझा सकते हैं। समझाइए अपने भाई साहब को, वो जो कर रहे हैं वो गलत है। सुनो, अठे आओ। रानी सा के साड़ी और जेवर कठे ले जा रहे हो? हुकुमसा का आदेश है कि सारा सामान उनकी पालकी के साथ में जाएगा। कठे जा रही है वो? हुकुमसा और रानी सा प्रेम महल जा रहे हैं। प्रेम महल तो लोग विवाह के बाद जाते हैं ना? पता है ना क्या करने? तुमसे अधिक जानते हैं प्रेम का जश्न मनाने। हम भी गए थे अपने एजीओजी के साथ। हम भी गए थे। लगता है हुकुमसा और रानी सा को एक दूसरे पर बहुत प्रेम आ रहा है। भाबूसा थोड़ा संभल कर बात कीजिएगा। कल भी हुकुमसा ने आपको खरी खोटी सुना दी थी, कहीं आज वे कुछ दंड ना दे दें। प्रणाम भाबूसा। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं कि देवगढ़ की रानी असलियत में ध्रुव जी की पत्नी तारा प्रिया है। आप अच्छे से जानते हैं कि ध्रुव जी ने न जाने कितनी बार शौर्य बना के प्राण बचाए हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि कपाली से देवगढ़ को मुक्त कराने के लिए ध्रुव जी ने आपकी सहायता की, ढूंढ करके रानी सा को महल में वापस लेकर आए और आपने उन्हें बंदी बना लिया। और अब आप उनकी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि आपका कभी भाभी सा से विवाह हुआ ही नहीं है। हमारे भाई सा ऐसे व्यक्ति नहीं थे, वो एक नेक दिल व्यक्ति थे। जब देवगढ़ में वर्षा नहीं हुई थी तब हमारे भाई सा ने स्वयं शाही भंडार को प्रजा के लिए उपलब्ध कराया था। जब देवगढ़ की फसल अच्छी हुई थी तब हमारे भाई साहब स्वयं किसानों के पास गए थे और उन्हें शुक्रिया कहा था, उन्हें उपहार दिए थे। इतने स्वार्थहीन से इतने स्वार्थी कैसे बन गए आप भाई साहब? और कल आपने भाबोसा के साथ इतने क्रूरता से व्यवहार किया कि वो रात भर रोती रही, बिलखती रही, सो नहीं पाई। प्रसाद देने आई हो या मारे जले पेड़ नमक छिड़कने? नाना भाबोसा, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आई थी। मैंने तय किया है महल में रानी सा के दायित्व कर्तव्य पूरी निष्ठा और मन से निभाऊंगी। अपना आशीर्वाद देकर
प्रसाद ग्रहण कीजिए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।